कोशिश जारी है, कोशिश जारी है। एक मिनट, नहीं देखिए, खड़गे जी और लालू जी के बीच में बात हुई है कि नहीं मैं नहीं कह सकता हूं, मुझे जानकारी नहीं, पर जरूर हुई होगी, जरूर हुई होगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। मैं आपको ये औपचारिक तौर से बोल सकता हूं कि खड़गे जी और ममता जी के बीच में बातचीत हुई है। मैं ये भी औपचारिक तौर से आपको कह सकता हूं कि खड़गे जी ने प्रयास किया है बिहार के मुख्यमंत्री से बात करने के लिए, प्रयास किया है, ईमानदारी से प्रयास किया है, और एक बार नहीं, दो तीन बार प्रयास किया, पर व्यस्त है बिहार। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट यार, एक मिनट, बिहार, प्लीज वेट, आई कम टू यू। बिहार के मुख्यमंत्री व्यस्त हैं, वो यहां वहां मीटिंग है, खड़गे जी भी व्यस्त हैं, यहां वहां उनकी बैठकें हैं। जब ये फ्री होते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री फ्री नहीं है, जब बिहार के मुख्यमंत्री फ्री हैं तो खड़गे जी व्यस्त हो जाते हैं, तो एक समय आएगा उनके ओर से कॉल बैक आया है, पर उन दोनों के बीच में बात नहीं हो पाई है। ठीक है, मेरे शब्दों को प्लीज और कोई रंग मत दीजिएगा। हाँ, उनसे कॉल बैक आया है, पर कॉल बैक आया है कि वो मीटिंग में है, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं वो सब, पर आप जानते हैं यार, कभी कभी ऐसा हो जाता है। कोई नाराज नहीं है, सब लोग जानते हैं कि ये इतना आसान काम नहीं है, ये आसान काम नहीं है, काफी कठिन है, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि उनकी सीट बढ़े, पर ये जो कॉम्प्रोमाइज होता है, आप कुछ देते हैं, ये लेन देन का मामला है, हमें कुछ देना है, हमें कुछ लेना है, उसमें कुछ समय लगता है। मैं नहीं समझता हूं लोगों में कोई नाराजगी है, हाँ थोड़ी सी मायूसी है कि हमने 3 हफ्ते पहले इसको खत्म नहीं किया, ये बात मैं कह सकता हूं, पर ये बात नहीं है कि नाराजगी है। देखिए, मैं जब हम भगवद गीता की याद करते हैं, जब हम भगवद गीता की याद करते हैं, हमें भगवान श्री कृष्ण के उपदेश याद आते हैं, पर पहले अध्याय में अर्जुन के भी कुछ सवाल हैं, वो जो भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, और वो हमें याद नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब अर्जुन अपने रथ पर खड़े हुए हैं और कौरवों को देखते हैं उनके सामने, वो भगवान श्री कृष्ण से बोलते हैं, यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम, मित्रद्रोहे च पातकम, उसको अंडरलाइन कीजिए, कथम न ज्ञेयम अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्भिर् जनार्दन। इसका माने ये है कि हे जनार्दन, अगर ये लोग जो हमारे सामने हैं, हमारे भाई हैं, हमारे सहयोगी हैं, ये लोग नहीं मानते कि हमारे वंश का सत्यानाश होना और मित्रों से विश्वासघात करना पाप है, क्यों हम उसी रास्ते, हम जानते हुए भी हम क्यों उनके रास्ते पर चलें? आप समझ गए मेरा तात्पर्य क्या कहने का? पर मैं ये कहूंगा फिर से कि पटना की बैठक बिहार के मुख्यमंत्री ने बुलाया 23 जून को, बेंगलोर की बैठक में 17 और 18 जुलाई उनका योगदान बड़ा महत्वपूर्ण था, मुंबई में 31 अगस्त 1 सितंबर को भी उन्होंने भरपूर तरीके से उन्होंने भाग लिया बातचीत में। तो आज भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ नाराजगी हो, ठीक है, वो बातचीत होगी, हो जानी चाहिए हमारे कांग्रेस अध्यक्ष और उनके बीच में, ये जो समस्याएं हैं, जो परेशानी है, उसको हम दूर कर सकते हैं बातचीत से। अगर आपके मन में
बिल्कुल आप स्पष्ट हैं, आप सांप्रदायिक विचारधारा से लड़ रहे हैं, तो ये छोटी मोटी बोतें जो आता है, नाराजगी होते हैं, कभी कभी ये हो जाती है, कभी कभी किसी ने बयान दे दिया है, ये कोई मानी नहीं रखता। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो इंडिया गठबंधन पटना में, बंगलोर में, मुंबई में जो सारी पार्टियां वहां मौजूद थे, वो इंडिया गठबंधन, और दिल्ली में भी हुआ था। I'm sorry, I cannot answer you these questions. You have to direct these questions at Mr. Ashok Gehlot and Mr. Bhupesh Baghel. Now, Mr. Bhupesh Baghel has been given the responsibility. He's probably either already in Bihar or is on his way to Bihar. He has just been given the responsibility for coordinating the Bharat Jodo Nyay Yatra and other party matters. So, I'm sure he will be talking to all other political parties. अरे अनवर, मैंने आपको कहा यार यूपी के बारे में अखिलेश जी ने कुछ ट्वीट किया है, मैं आपको कह रहा हूं हमारे ओर से अशोक गहलोत जी अखिलेश जी के साथ सीधे संपर्क में हैं, बातचीत हुई है, शीघ्र ही मिलने वाले हैं, और जो वातावरण में वो बातचीत हुई है वो बहुत सकारात्मक और रचनात्मक वातावरण। नो, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक द यात्रा इज इवोकिंग very good response, very positive response. Even Manipur, Nagaland, Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya, and of course in Bengal we've only been there for a few hours in Kuch Bihar. But we've had 12 days of the Bharat Jodo Nyay Yatra, continuous days, and the response has been very good. And we expect a similar response in West Bengal, in Bihar, in Jharkhand, in other states. Congress? No. I'm not very. The Congress, we are very clear. We are fighting the 2024 elections as part of the India group. And we will do everything possible, everything that we can do, to make sure that the India group is successful. But ताली बजाने के लिए दो हाथों की जरूरत होती है। आई कैन नॉट क्लैप ओनली इन वन हैंड, आई हैव टू क्लैप विथ बोथ हैंड्स। हमारी नीयत साफ है, हमारी नीयत पर कोई सवाल नहीं होनी चाहिए। हम ये एक वैचारिक, राहुल जी ने भी कहा था भारत जोड़ो ये न्याय यात्रा के संदर्भ में, और मैं कहूंगा 2024 के चुनाव के संदर्भ में, ये कोई मामूली चुनाव नहीं है, ये विचारधाराओं का मुकाबला है। तो जो लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं, 23 जून से हम मानकर चल रहे हैं कि पहले 18 पार्टी और उसके बाद 28 पार्टी एक सर्वसम्मति से इस सांप्रदायिक विचारधारा का मुकाबला करने वाले हैं।